समग्र विकास की दोगुनी रफ्तार, हो रहा है विकसित भारत का निर्माण। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत के अनुरूप देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी लिख रहा है समग्र और समावेशी विकास की नई कहानी। समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ ही नमामि गंगे, अर्बन अफेयर्स और उच्च शिक्षा को नए आयाम देने वाली 34,676 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में 108 करोड़ रुपए से निर्मित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा में नई दिशा देगा। 11,475 करोड़ रुपए से निर्मित 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं और 8,176 करोड़ रुपए की 12 रेलवे की परियोजनाएं करोड़ों नागरिकों के आवागमन को बनाएंगी सुगम और सुरम्य। रेलवे की इन विकास परियोजनाओं में रेल खंडों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन के साथ ही नई बड़ी लाइन और रेल सेवा का संचालन शामिल है। बेहतर कनेक्टिविटी की यह विकास यात्रा आज ग्रामीण परिवेश को भी दे रही है नए आयाम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,702 करोड़ रुपए से निर्मित 744 ग्रामीण सड़कें 59 जनपदों में ग्रामीण विकास को करेंगी सुनिश्चित। 5,342 किलोमीटर की इन सड़कों का निर्माण ग्रामीण प्रगति और समृद्धि का बनेगा आधार। कनेक्टिविटी के साथ ही ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में नया उदाहरण पेश कर रही है लाइट हाउस परियोजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप यह परियोजना गरीबों को नई तकनीक और तेजी से बनने वाले आपदा रोधी और टिकाऊ घर करा रही है उपलब्ध। लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 265 करोड़ रुपए से लखनऊ में 1,040 और झारखंड के रांची में 1,008 फ्लैटों का उच्चतम तकनीक व सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ कराया गया है निर्माण। गरीब परिवारों को किफायती, आरामदायक एवं सुरक्षित घरों का मिल रहा है उपहार। नेक्स्ट जनरेशन आवासीय अवस्थापना के साथ ही जन जन की आस्था का केंद्र मोक्षदायिनी गंगा की स्वच्छ, निर्मल और अविरल धारा को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन से मिला है नया जीवन, नई स्फूर्ति। नमामि गंगे के अंतर्गत 1,114 करोड़ रुपए की 3 सीवरेज परियोजनाएं प्राणदायिनी गंगा की धारा को बनाएगी स्वच्छ और निर्मल। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हो रही यह विकास परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को देंगी नई दिशा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।